So hi geeks and welcome back to a brand new episode of Hockey Techy. <tickle> मैं हूं समीर और मैं हूं जीत और आज के वॉकी टेकी के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एप्पल फर्स्ट ऑफिशियल स्टोर इन इंडिया एंड दैट इज एप्पल बीके सी इन मुंबई हमने खुद जाके वहां पे एक्सपीरियंस किया है और वो कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और कैसा था एप्पल का फर्स्ट ऑफिशियल स्टोर इन इंडिया उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे एंड yes. साथ ही साथ दिल्ली के अंदर एप्पल साकेत खुल चुका है mm -hmm. साकेत के अंदर बट द नेम सजेस्टेड एंड उसके बारे में बात करने वाले हैं कौन सा स्टोर ज्यादा अच्छा है कौन से mm -hmm. स्टोर में क्या डिफरेंसेस हैं उस सब के बारे में बात करेंगे करने सो डोंट यू नो जस्ट स्किप इट प्लीज सुनो एंड एंड तक काफी मजा आने वाले बिकॉज ये नॉर्मल एपिसोड जैसा नहीं है इट्स गोना बी अ स्पेशल वन बिकॉज वी आर गोना शेयर आवर एक्सपीरियंसेस सो या जीत स्टार्ट करते हैं अपने, अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की uh, जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि सबसे पहले तो मस्त इनविटेशन आया था अरे राइट सो right, so, इनविटेशन आते ही सब एक्साइटेड हो गए तो right. uh, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हमने एक पिछली बार लास्ट पॉडकास्ट भी एक शूट कर लिया था exactly. अगर किसी ने नहीं देखा तो right. कृपया जाके देख लीजिए right. वहां से आपको थोड़ा और कॉन्टेक्ट मिल जाएगा सो जर्नी स्टार्ट हुई और ऐसा था कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था तो आ, वो शुरू होने वाला था अठारह तारीख को एनोग्रेशन था लेकिन हम एक दिन पहले ही सत्रह को पहुंच, पहुंच गए थे आ, क्योंकि हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी तो हम थोड़ा लेट पहुंचे थे तो हमने वो पहले का इवेंट सुबह का इवेंट मिस कर, कर दिया था, था। जो कि था मीडिया इन्वाइट किया गया जो भी मीडिया के ऑफिसियल मीडिया पार्टनर्स और उनके लिए इन्वाइट था कि जो आके वो शूट शूट कर सके अपना जो भी बीरोल्स और जो भी बनाना है वो शूट कर सके तो तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी exactly. आगे का आपको ठीक आप है तो हम लोग पहुंचे को शाम को शाम so uh, सोचा क्या हो गया यार वो मिस हुआ तो शाम को तो एक बार देख के तो आई एक, सकते एक, एक मार देते एक एक ट्राई एक, एक, एक मार देते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा हम लोगों का एंड इनफैक्ट जिस चीज के लिए आए थे वो चुल तो थी कि भाई इसको अटेंड तो करना ही है

इट वॉज फॉर बॉलीवुड न ठीक है काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज uh, वहाँ पे आए थे राजकुमार राव वहाँ पे थे सलीम सुलेमान वहाँ पे थे ए आर रहमान वहाँ पे थे माधुरी के साथ अपने तो टिमको की फोटो तो देख ही ली होगी जो ना you know, वड़ा पाओ खाते खाते तो थे वो भी वहाँ पे थी मोनी रॉय वहाँ पे थी एंड <laughs> काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे एंड द थिंग इज की सब बिग इवेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एपल एक ऑफिशियल स्टोर खुल रहा था एंड दैट टू इन मुंबई राइट राइट इन इंडिया ऑफकोर्स बाहर तो खुले हुए हैं एन ट्वेंटी ईयर जितना उनका बिजनेस रहा है यहाँ पे तब से सो हम गए हमने देखा तो हमें एंट्री तो मिली नहीं बट ऑबियस था बिकॉज यू नो बॉलीवुड वाला सीन चल रहा था बट Uh, ये देख के खुशी हुई कि एप्पल का जो वट है वट वो वट बोलते हैं द स्टेटिस इज सो ह्यूज दैट पीपल आर कमिंग ओवर देयर जस्ट टू ग्रीट टिम कुक कि भाई आप आए हो हमारी कंट्री के अंदर द फर्स्ट टाइम एंड वी आर वेलकमिंग यू एंड सेम टीम कुक ने भी बोला एक दिन बाद जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि भैया आप बताइए कैसा लगा आपको बोला द एनर्जी इज जस्ट अमेजिंग एंड वी फेल्ट दैट ऑन द डेट सेल्फ राइट ऑन एटीन नेक्स्ट yeah, yeah. exactly. तो मतलब तो exactly. तो बहुत, बहुत ज्यादा कतार कतार थे. थे, exactly. <laughs> yeah. so, मतलब आ, ऐसी कंपनी है जो मतलब इतने सारे लोगों को एक दिन में इकट्ठा कर सकती है right. बहुत सारी कंपनीज में स्टोर लॉन्च किए हुए है लेकिन apple की बात थोड़ी, थोड़ी अलग है थोड़ी अलग है, हाँ है। तो उन्होंने बहुत सारे इनवाइटिस भी थे वहां पे अपने टेक्निकल गुरु जी बहुत गुरु सारे कंटेंट क्रिएटर्स और वाज देयर यू नो या हां या सो आ, उनको भी देखा वहां पे और वहां पे नासिक ढोल भी थे अरे दैट वाज जस्ट अमेजिंग यार पूरा जो लोग लोग वहां पे सुबह से खड़े हुए बोर हो रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा एक एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट द ग्रीटिंग फैम्स राइट कि भाई आओ, आए, 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 आप आओ आप आप लोगों के लिए हमने hmm, इंतजाम कर रखा right. है दिस इज द ग्रैंड ओपनिंग एंड ये सब यू नो द थिंग इज की यू नो द इज वेदर इट इज वेरी ह्यूमिड राइट एंड हॉट बट फिर भी लोग वहां पे लगे हुए थे नो 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 वन वन आई टेल यू वाज लाइक कि भाई कितनी लंबी लाइन है mm -hmm. क्यों मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे को मजा नहीं आ रहा है the, the मतलब उस टाइम तो दो दिन तो लगातार ही चला है राइट एंड mm -hmm. right? uh, नासिक ढोल बज रहे हैं जो एटमोसफेयर जो एनवायरमेंट uh, क्रिएट हो रखा था दैट वॉज सो पॉजिटिव एंड एनर्जी वॉज अमेजिंग है और फिर हम लगे लाइन में एंड दीज गाइज वो यू नो शूटिंग वोटिंग तो मेरे को बोल दिया है फर्स्ट टाइम एंड बिफोर दैट ओपन द डोर फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैजिकल दैट वॉज मैजिकल बिकॉज आई यू नो यू कुचुअली फील दी अगर आप वीडियो भी देखते हो राइट और हमने एक रील बनाई है द ओपनिंग जो स्टार्टिंग right? right? right. the so, you know, so सच लग नहीं रहा था भैया एप्पल की राइट तो वो एक्सपीरियंस करने आए थे, right. थे और टीम कुक को देखने के लिए भी exactly, exactly, exactly. मतलब एप्पल के सीईओ आ रहे तो मतलब

वहाँ पे एक ऐसा एक टेबल थी ठीक है जहाँ पे काफी सारे स्विच बोर्ड लगे हुए थे राइट बट द खास बात उसकी टेबल की ये थी कि वो स्विच बोर्ड विजिबल नहीं थे अनटिल और अनलेस आप उसके ऊपर स्वाइप नहीं कर देते मैंने स्वाइप इट तो वो ऑटोमेटिकली स्विच बोर्ड जैसा जैसे एनेबल्ड थे वो सारी चीजें सो दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग सो यूनिक इन अ स्टोर राइट <laughs> ना मूवीज में देखा हुआ है ठीक है बैडमैन में हमने भी देखी है लेकिन द थिंग इज यार ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ स्टोर ठीक है आप घर पे नहीं हो किसी घर पे किसी ने नहीं, नहीं बना रखा ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है एक्सपीरियंस करने वाली चीज एक्जैक्टली exactly, वो रही. चीज़ है और बिफोर uh, दैट एक और चीज़ हुई थी कि एस वी एंटर्ड ठीक है तो सबसे पहली चीज देखी थी एप्पल का साइन सीधे सीधे सामने <laughs> दीवार पे एंड दैट इज जस्ट फिंटैसे इट लुक्स जस्ट अमेजिंग एंड इनफैक्ट जो वॉल जिन, जो स्टोन लगा है वो राजस्थान से आया है बिकॉज राजस्थान में यू नो ग्रेनाइट और ज्यादा अच्छे मिलते हैं सो so, वहां से वो चीजें आई हैं एंड यू नो टी सिक्स फीट इज द हाइट ऑफ द हॉल एंड इट लुक्स जस्ट अमेजिंग और जो भी ग्लास यूज हुआ है बाई जो भी वॉल पे वो सिंगल पीस है ग्लास का एंड यू नो वॉट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो मैंने वहां पे देखी हुई देखी एंड वो थी स्टेयर्स बिकॉज जो स्टेयर्स का जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी वो दैट वॉज नॉट नॉर्मल बिकॉज जब हम बनाते स्टेयर्स तो पहले एक रखते हैं उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर द होल स्ट्रक्चर वॉज अ सिंगल पीस एंड दैट वॉज इम्पोर्टेंट फ्रॉम यूरोप इट से एप्पल ने ये नहीं बोला कि भैया टिके यहाँ के लोहारों से मैं काम करवा लूंगा अपनी मर्जी का नहीं भाई जो जहाँ से वो जो चीज बनती है वहीं से वो आएगी एंड इट लुक्स जस्ट अमेजिंग द होल स्टोर इन इट सेल्फ यू टेल मी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस ये तो मैंने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत नोटिस कर ली हैं वॉट अबाउट योर एक्सपीरियंस वॉट अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड हाउ द टीम ऑफ एप्पल जस्ट टेल मी सो जैसे ही आप लाइन में लगे थे बिल्कुल हाँ, लगे हाँ, लगे हाँ, हाँ, सो so, uh, जैसे ही अंदर गए तो पहले तो जो स्टोर की ओपनिंग का होता है ना कि वहाँ पे जो जो भी कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो वो सारे अपने को बहुत एनर्जेटिकली ग्रीट किया था लाइक राइट दे आर ग्रीटिंग विद बिग स्माइल ऑन देयर फेस एंड ऑल सो उन्होंने वैसे ग्रीट किया हमको वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे तो जैसे ही अंदर पहुंचे तो स्टोर इट्स सेल्फ ना बहुत ग्रैंडुलर फील होता है मतलब बहुत बड़ा लाइक like, कुछ बहुत कुछ लग्जूरियस जो एप्पल की वैल्यूज है जो कैरी करते थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वैसा अभी भी मेंटेन किया हुआ है कि आप जैसे एंटर होते हो पूरा ग्लास एटी परसेंट नेचुरल लाइट आती है, right. like right. आती है right. तो वहां पे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है right. और जहां पे होती है जैसे आपने बताया कि वो जेस्टर कंट्रोल पॉइंट थे right. वहां पे यूज होती है और आ, बहुत सारे एम्प्लॉज आप कुछ अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो कोई एक आपको हेल्प करने के लिए आएगा right. तो आपको पूछेगा कि कुछ हेल्प चाहिए आपको डिवाइस का कुछ स्पेसिफिकेशन या आप नहीं नहीं आई एम जस्ट ब्राउजिंग थ्रू सो वो आपको वहां पे छोड़ देगा शांति से शांति से आप मजे करो मजे करो आप right. अपना एक्सप्लोर कर लो आप right. सारे डिवाइसेस यूज कर लो right. बाद में अगर कुछ लेना है तो ठीक है कोई बात नहीं यार आप चिल करो ऐसे और एक और चीज मैंने नोटिस की कि जो हमें हेल्प कर रहे थे उन्होंने हमें स्टोर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे थे तो वो उनका खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहे थे और एप्पल के जो यहाँ के इंडियन रीजनल जो जो भी हेड है रिटेल स्टोर के उन्होंने बोला था कि सब लोग बोल रहे हैं कि एप्पल का स्टोर ही है ना मतलब हाँ। पहले भी बहुत सारे स्टोर्स खुले हाँ, मतलब एप्पल हाँ। मतलब का स्टोर है ही यहाँ इसमें ऐसी क्या खास बात है तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो एक्सटीरियर इंटीरियर वो तो है ही वो कोई अलग बात नहीं है वो हमने कुछ पढ़ा नहीं किया लेकिन उनका जो सोल है एप्पल स्टोर का वो है उनके कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और जो वहां पे काम करने वाले लोग है राइट राइट और रैए। उनके सोल है जहाँ पे वो काम कर रहे जो कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं वो राइट राइट सो उनकी दो तीन महीने की ट्रेनिंग होती है साल भर की होती है हाँ साल भर की ट्रेनिंग होती है लेकिन आई गेस कि वो करेक्ट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बात की थी उनसे तो उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं मैंने भी ऐसे पूछा था कि, कि एक साल की आपकी ट्रेनिंग रही होगी जो हमने पढ़ा है जो हाँ, हमने हाँ। रिसर्च किया है वैसे तो कि नहीं नहीं सर वो मतलब मीडिया वाले थोड़ा एग्जाजरेट कर देते अच्छा, अच्छा <laughs> थोड़ा स्पाइसी टू स्पाइसी टप <laughs> okay, okay. दो तीन महीने की ट्रेनिंग रही है और वो लोग से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं okay. तो कि आप कितने सारे तीन महीनों में से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस नहीं सीखाते right, 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 right. आपको आनी चाहिए हा, 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 right, right. अगर नहीं आ रही है तो आप सीखो, सीखो, सीखो फिर आओ वैसे right. so, उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिकेशन बताया कि जैसे टिम्बर एलिमेंट्स थे वो एज इट इज दिल्ली से बन के नहीं आए थे दिल्ली में हुए थे, राइट। जैसे रखा गया बिठाया कुछ स्पेसिफिकेशन हमें बताया वेरी अमेजिंग कि उनको क्या अच्छा लग रहा है बारे में हमें भी पूछा वहां पे एक स्क्रीन थी जो पिच ब्लैक मुझे स्क्रीन बहुत फैसिनेटिंग लगती है की

सारे मतलब म्यूजिक का अलग ही वाइब था अरे बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल so, लाइट की बात हो गई और स्टेस की बात है stairs, stairs का सीन ये है कि जब पहला एप्पल स्टोर खुला था तो आ, वो पूरा डिजाइन करा था स्टीव जॉब्स मतलब स्टीव जॉब्स बहुत काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था रिटेल स्टोर के बारे में राइट तो स्टीव जॉब्स को वो पर्टिकुलर पेटेंट या जो भी वो डिजाइन पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने ऐसी डिजाइनर्स का ऐसा फोर्स किया कि मेरे को एक सिंगल में में से वो चाहिए ब्रेक्स नहीं होने चाहिए और वो हो फ्लोटिंग फ्लोटिंग मुझे कोई सपोर्टिंग नहीं चाहिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स कोई चाहिए नहीं राइट इनविजिबल चेयर इनविजिबल स्टेयर्स बोल रहे हैं वो चाहिए फ्लोटिंग चेयर्स राइट फ्लोटिंग स्टेयर्स तो आ, फ्लोटिंग स्टेस के लिए उन्होंने पेटेंट भी फाइल किए राइट सो वो वैसी कोई डिजाइन कोई और स्टोर में आपको देखने भी नहीं मिलेगी राइट right? सो hmm. so, ये सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी एप्पल के स्टोर है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल एंड यहाँ पे हमें देखने को फॉर द फर्स्ट टाइम वी सो इट इन पर्सन एंड इट वॉज अमेजिंग बिकॉज काफी म, आपको देख के ऐसा लगेगा यार ये क्या बना दिया फुर फुर है फुर यार ये कैसे बना दिया इट वॉज इंजीनियरिंग मॉबेल एंड इट वॉज एंड उसके बाद आते हैं हम ये तो हमने बात की एप्पल स्टोर से अब आ, हम मिले एप्पल फैन से भी हुँ, हुँ, और उनमें से एक लेके आए थे अपना 1984 का मैक इंड एस ई वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैक्स अवेलेबल आई मीन आई आई हैव एवर सीन इन पर्सन आई मीन आई कुड सी हाउ मच प्राउड ही वाज उस टाइम पे जब वो अपना मैक लेके आए थे एंड टिम कुक से पर्सनली मिले थे बिकॉज आई थिंक टिकट ही की उन्होंने अपने उस पे स्टार्ट किया है सो यू कैन सी द इमोशनल कॉनेक्ट पीपल द फर्स्ट टाइम मैंने अपने काम ही इधर से चालू किया था एंड आई राइट ना इन इंडिया एंड ऑफिशियल स्टोर आफ्टर ट्वेंटी खुल रहा है एंड इट इज इट वॉज मोमेंट फॉर हिम मैट और आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे होंगे कि भैया एक इंसान आया था एक एप्पल फैन आया था विद मैक आपने फोटोज भी देखी होगी एंड right. uh, एक छोटा सा फनी इंसिडेंट बताता हूँ मेरा और उनका जो हुआ था एंड ऑब्वियसली मेरे को यार फोटो खिंचवानी थी वो मैक के साथ इट वाज जस्ट अमेजिंग सो मैं गया एंड आई हिम कि अगर मैं एक फोटो ले सकता हूँ सो ही वॉज लाइक फॉर श्योर ले लो ले लो एंड uh, मैंने वो मैक पे ऐसे हाथ रख दिया ठीक है

एक कनेक्ट था लाइक गीक्स like, के बीच में जो कनेक्ट था एक mm -hmm. काफी लोगों से बातचीत भी हो रही थी एंड काफी लोग आपल के फैक्ट्स बता रहे थे स्टोरीज शेयर कर रहे थे mm -hmm. इन लाइन में ये बात नहीं हो रही कि हम स्टोर में जाके कहीं बैठे हैं mm -hmm. फिर लोगों से मिल रहे ये ये लाइन में ही चल रहा है राइट देव द होल एटमोसफेयर वॉज जस्ट अमेजिंग एंड फिर आया टाइम हमने सोचा चलो कुछ खरीदते हैं कि भैया अब तो आए हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे ऑफ कोर्स सो वी बॉट <laughs> अपल वॉच बेल्ट ठीक है कहा वहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी हमको दिख रही थी तो हमने सोचा कि भैया थोड़ी बहुत ले लेते हैं और बेसिकली टू बी ऑनेस्ट हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करना था कि हाँ वहां पे बिलिंग कैसे होती है राइट okay. right. right. हमने सुना था बहुत था कि भैया वहाँ पे आ, कैश काउंटर होता नहीं है बिलिंग काउंटर होता नहीं तो आपको डायरेक्टली जो पर्सनल जो आपका वहाँ असिस, पे असिस्ट कर रहा होता है वही आपकी बिलिंग करके तुरंत ही तुरंत आपको रवाना भी कर देता है फर्स्ट टाइम एंड वही हुआ वहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं था कोई बिलिंग काउंटर नहीं था आप जाओ प्रोडक्ट उठाओ कोई सा भी जो आपको लेना एक्सेसरी लेना लेना प्रोडक्ट कुछ भी उठाओ एंड उनके पास ले जाओ मेरे, मेरे को खरीदना है दिल स्कैन द द एंड एंड बस पे करो खत्म खत्म बेस्ट पार्ट जो जिसपे से वो स्वाइप कर रहे थे कार्ड जिससे जिसपे वो टैप कर रहे थे वो उनके आईफोन से कनेक्टेड थी थ्रू मैक्फ और एन एफ सी राइट दे वर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन देयर आईफोन सो बेसिकली योर बेसिकलीशन जो हो रहा था वो हो रहा था उनके आईफोन पे सो so वो भी मेरे को काफी अच्छी चीज लगी कि वो दे दे वोंट हैंडलिंग दोस बिग एटीएम कार्ड मशीन जो होती है पेट्रोल पंप पे तो देखते ही होगे तुम तो लोग अरे भाई वो वाईफाई चालू है हाँ वाईफाई चालू है टैप चालू है बट दैट वाज वाजंट द सीन देयर आईफोन था उनके हाथ में उस और पीछे एक मैक्स की एक्सेसरी लगी हुई थी एंड उस पे टैप करो

बाहर का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे मिनिमम यूज कर रहे और आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी आईफोन पे सीमलेस ट्रांजेक्शन द होल सिनेरियो वाज जस्ट अमेजिंग और अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज आप जरूर जरूर से एक ऑफिशियल एप्पल स्टोर को जरूर से एक्सपीरियंस कीजिए एंड आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि दिल्ली में भी खुल गया है रिसेंटली साकेत के अंदर सो so, दिल्ली वाला थोड़ा छोटा है बिकॉज दिल्ली वाला आई थिंक इज अराउंड स्क्वायर फीट के अंदर है एंड दिस वन इज ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड फीट सो ऑलमोस्ट आधे से भी कम है सो बट दैट डजेंट मैटर बिकॉज वॉट हैपन दिल्ली में कि भीड़ बॉम्बे से ज्यादा ही थी दिल्ली के अंदर सो साइज डजेंट मैटर यू नो समाइम्स बट लॉयल्टी डेफिनेट एंड एप्पल फैन बॉयज वॉज देयर इन दिल्ली काफी काफी अच्छी तादाद में थे एंड right. uh, थोड़ा स्टोर जरूर छोटा है थीम थोड़ी सी अलग है बट आई थिंक द एटमोस्फेयर एनवायरमेंट शुड बी द सेम राइट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सेम आपको मिलेगा राइट right. सो right? so, आप बताइए थोड़ा आपको कैसा लगा दिल्ली का साकेत दिल्ली का साकेत मोस्टली जैसे, हाँ, जैसे समीर ने बोला कि अच्छा मतलब छोटा ही है वो अलग नहीं है लेकिन आ, जैसे अगर उसको मुंबई से कंपेयर करें तो मुंबई के स्टोर के क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है राइट तो मुंबई के स्टोर के अंदर कैसा था कि वो पूरा हंड्रेड परसेंट क्लीन एनर्जी से चलता था ठीक है और वो कार्बन न्यूट्रल था न्यूट्रल हाँ, था ठीक है तो राएट। वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि स्टोर की साइज भी बड़ी है, उसको बड़ी ज्यादा जगह मिल रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज कर रहा है ठीक है तो वो सब था लेकिन दिल्ली का क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आई गेस मुझे इतना पता है कि वो एक्सपीरियंस सेम ऑब्वियसली रहा होगा और वहां पे भी कार्बन न्यूट्रल और वो ओ, वही नॉर्म सारे फॉलो फौल, फॉलो हुए होंगे वहां पे, पे भी हाँ।, हाँ, और उसके अलावा उसका रेंट मुझे समझ में आया अराउंड फोर्टी टू फोर्टी टू लैक्स रेंट है किसका साकेत का साकेत वाले ओह फोर्टी टू लैक्स मंथ मंथ ओके या एप्पल इतना सस्ती चीज तो नहीं खरीदेगा सो पर मंथ ही <laughs> है एप्पल से कट ले रहा है, <laughs> their, uh, uh, शायद का कट है। कुछ तो है देर इज सम जियो ले रहा है एप्पल से बिकॉज यू नो थोड़ा सा वहाँ पे एक प्राइम लोकेशन पे है एंड यही नहीं बोलूंगा साकित प्राइम नहीं है भाई ऐसा गुस्सा मत हो जाना बट एक्चुअली जियो वर्ल्ड ड्राइव जो है जो नया बिल्कुल इट वॉज अ ब्रांड्स भी देखो ना आप आपको पता चलता है कि हाँ, अमीरो वाली ही जगह है वहाँ <laughs> बॉस मिल जाएगा आपको गुची मिल जाएगा क्या नहीं क्या नहीं है, है।, है वहाँ पे हाँ वहां पे आपको मैगडी नहीं मिलेगा आपको डोमिनोज नहीं मिलेगा ठीक है वहां पे आपको जूडियो नहीं मिलेगा पेंटेलून वेड ये सब नहीं मिलेंगे आपको आपको मिलेगा वहाँ पे सीधा सीधा लुई फिलिप ठीक है एल ठीक है वैशाशी ये, ये वहां पे और कुछ है नहीं बॉस सो so, गाइज ये तो हो गई दिल्ली और मुंबई की बात right. लेकिन आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द दूसरी प्राइम लोकेशंस पे भी स्टोर्स ओपन होने वाला वाले तो है। आपके हिसाब से जब अभी उड़ती उड़ती न्यूज आ रही है लीक्स आ रहे हैं रूमर्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से नेक्स्ट आई गेस्ट बैंगलोर बैंगलोर बैंगलो में खुलना चाहिए राइट एंड एक खबर ये भी है कि बैंगलोर में जो खुलेगा इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्पल स्टोर इन इंडिया ठीक है टिल डेट क्योंकि आगे तरह थोड़ा सा छोटा है एट थाउजेंड स्क्वायर फीट ये ट्वेंटी भी यू नो ओके अच्छा है बट वहाँ पे खबर आ रही है इट्स लगभग डबल डबल मतलब देखते हैं अब कितना होता है बट द थिंग इज इस बैंगलोर में अगर खुलता है तो बैंगलोर इट okay. right, तो बनता भी है यार आप एप्पल का एक प्रेजेंस होनी जरूरी उस जगह पे सो okay. so वो है अब थोड़ा बहुत कोलकाता में खुल जाए और इधर थोड़ा थोड़ा फिर अहमदाबाद में खुल जाए तो फिर मजा आ जाए नो वी आर होपिंग फॉर दैट बहुत जस्ट सी क्या हो, कब होता है बट होना तो चाहिए फर्स्ट शो डेस्परेटली होपिंग फॉर दैट ट्रस्ट मी टिम कुक प्लीज और हाँ एक और चीज हाँ। कि यहाँ पे कोई एडिशनल डिस्काउंट जो आपके ऑनलाइन हाँ। स्टोर में मिलते हैं सब वो नहीं, नहीं है, मिलने नहीं, वाले हैं सो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि यहाँ पे कोई अलग सा डिस्काउंट मिलेगा हाँ आपको स्टूडेंट ऑफर मिल सकती है यहाँ पे मिल, मिल सकती है नहीं मिलने ही वाली है यहाँ पे जो एप्पल आता है स्टोर के अंदर ऑनलाइन होता है लेकिन यहाँ पे आपको वो अवेलेबल होगी लेकिन उसके अलावा कोई आपको स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा का जो वो सोच रहे हैं कि यार स्पेशल डिस्काउंट कुछ होगा तो नहीं होने वाला है वो तो कृपया वो ध्यान में एंड बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एपल की साइट से कोई चीज खरीदते हो और जितना वहां पे करते हो तो और आप यहाँ हाँ पे करते हो और आपको एक और चीज में बताता हूँ ठीक है जब आप डिवाइस टेस्ट कर रहे होते हो आईफोन जब आप टेस्ट कर रहे होते हो वहां पे उसकी एम नहीं लिखी हुई है एक्सेसरीज की ही एमआरपी लिखी हुई है डिवाइस की वहाँ पे एमआरपी नहीं लिखी हुई है नोटिस किया आपने वो चीज टिपिकल एपल टिफिकल एपल राइट सो दीज सम फैक्ट्स, दीज वर आर एक्सपीरियंसेस जो हमने किए इन मुंबई बी के सी एपल फर्स्ट ऑफिशियल स्टोर इन इंडिया एंड मजा आ गया यार काफी मजा आया ठीक हाँ है और दूसरे दिन फटाफट हम फ्लाइट पकड़ के इधर आ गए फटाफट आपको बिल्कुल शेयर कर, हाँ। कर सके एंड हाँ। अगर आपको देखना है की हिंदी हाँ 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 पे जाके यूट्यूब पे आप देख सकते हैं पूरा कवरेज वहाँ पे है इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा रील्स ब्लॉग या ब्लॉग हिंदी पे जाके कहीं पे भी सो इट यहाँ पे भी हम आपको कहीं ना कहीं तो दिखाई देंगे यार दिखी देखा ही होगा भी सुन रहे वॉडकास्ट इतनी देर से सो दिस वॉज इट तो काफी ज्यादा मजा आया है ना एट अच्छा है। अच्छा और बैंगलोर में होता है तो फॉर श्योर वहां पे भी जाके कवर करेंगे एंड बिकॉज इट इज बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया सो बनता भी है राइट yes. तब तक के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मिस ना कर पाए एंड डू लाइक आवर पॉडकास्ट बिकॉज मेहनत लगती है देखो अभी बॉम्बे जाके आए अभी प्लान कर रहे हैं बैंगलोर जाने का थकान तो होती है तो लाइक कर दो हाँ वो भी हेल्प कर दो और मतलब क्या होता है कि अलगरिदम को भी पता चलता है हाँ। कि ये आपको पसंद पसंद आ, है आ रहा है मतलब